नमस्कार, वैगदूर्य न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। इस्तांबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमला, 36 की मौत। तुर्की के इस्तांबुल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 150 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आत्मघाती हमलावरों में से एक ने हवाई अड्डे के प्रस्थान हॉल में स्वचालित राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी तथा तीन अन्य हमलावरों ने आगमन हॉल के पास आकर खुद को उड़ा लिया। एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने गोलीबारी कर दो हमलावरों को आगमन हॉल के सुरक्षा जांच केंद्र से पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने विस्फोट कर दिया। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली एंदिरियम ने हवाई अड्डे पर कहा कि इस घटना से फिर स्पष्ट हो गया है कि आतंकवाद वैश्विक खतरा है। इस हमले में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया, जो कि एक घिनौना कृत्य है। हमले के पीछे कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के हाथ होने की आशंका है। टिकट कंफर्म नहीं होने पर एयर इंडिया से कर सकेंगे यात्रा। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया राजधानी ट्रेन के ऐसे यात्रियों को यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगी जिनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है। एयर इंडिया ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस के यात्री उड़ान रवाना होने से 4 घंटे पहले टिकट बुक करा सकेंगे। ऐसे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों से फर्स्ट एसी के बराबर किराया लिया जाएगा। सुपर सेवर योजना के तहत एयर इंडिया घरेलू मार्गों पर इकोनॉमी क्लास में यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह योजना 26 जून से 30 सितंबर तक के लिए है। फिलहाल भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर प्रतिदिन 21 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है। प्रतिदिन इन ट्रेनों में 20,000 लोग यात्रा करते हैं। एयरलाइन ने कहा कि हजारों ऐसे यात्री रहते हैं जिनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता। हम इसी अंतर को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना में 9 और न्यायाधीश निलंबित। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन मंगलवार को उस समय और तेज हो गया जब अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के 9 और न्यायाधीशों के निलंबन के विरोध में 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के 9 और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया। निलंबित हुए न्यायाधीशों की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए करीब 200 न्यायिक अधिकारियों ने आज से 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत 9 न्यायाधीशों को मंगलवार को निलंबित किया गया। एक समिति अनुशासनात्मक मुद्दों पर गौर कर रही है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2 न्यायाधीशों को निलंबित किया था।